मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में पहली बार सरकारी स्कूल टीचर्स के लिए स्थायी ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में कहा कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एक बार इस पॉलिसी के बिंदुओं का निरीक्षण कर ले, फिर इसे लागू किया जाए। स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक टीचर्स के अलावा अन्य कर्मचारियों के ट्रांसफर में यह पॉलिसी लागू होगी। इसके अनुसार टीचर व अन्य संवर्ग के ट्रांसफर हर साल 15 मई तक किए जाएंगे। स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए टीचर्स को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ट्राइबल एरिया में प्रशासकीय आधार पर पदस्थ टीचर्स को प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। भोपाल में 25 साल के आर्टिस्ट लोकेश यादव उर्फ लोक आर्टिस्ट की मौत हो गई। 15 अगस्त को उसका 26वां जन्मदिन था, लेकिन बर्थडे के 13 दिन पहले मौत आ गई। सोमवार रात उसकी बाइक ट्रक से टकरा गई। सिर पर गंभीर चोट आने के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। लोकेश की पेंटिंग की तारीफ बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद से लेकर एक्टर रितेश देशमुख तक कर चुके हैं। यूट्यूब पर उनके 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। नाग पंचमी पर उज्जैन के भगवान नाग चंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंगलवार दोपहर तक 3 लाख से ज्यादा लोग भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन कर चुके थे। रात 12 बजे तक मंदिर के पट खुले रहे। बता दें कि भगवान महाकाल मंदिर परिसर में स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट एक साल में एक बार ही नाग पंचमी पर खुलते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 164 नए केस सामने आए हैं। टोटल एक्टिव केस बढ़कर 1493 हो गए हैं। अगस्त को प्रदेश भर में 5432 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई थी। प्रदेश में इंदौर, भोपाल और जबलपुर कोरोना हॉटस्पॉट बन रहे हैं। यहां एक्टिव मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। इंदौर में 593, भोपाल में 300, जबलपुर में 223 एक्टिव केस हैं। इंदौर में 1 अगस्त को 470 टेस्ट किए गए, इनमें 56 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। भोपाल में 139 सैंपल में से 28 और जबलपुर में 362 सैंपल्स में से 27 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। विदिशा जिले में पुलिस ने 2 संदिग्ध महिला पुरुष को हिरासत में लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि दोनों ना हिंदी जानते हैं और ना ही अंग्रेजी। ट्रांसलेटर की मदद ले रहे हैं। उनकी भाषा अरबी या रशियन जैसी लग रही है। उनके पास जो दस्तावेज और पासपोर्ट मिले हैं वे ईरान के हैं। वे तेहरान से दिल्ली होते हुए यहां आए हैं। उनके पास से अमेरिकन, ईरानी और भारतीय करेंसी भी मिली है। वे जिस टैक्सी से आए थे उसके ड्राइवर का मोबाइल नंबर बंद आ रहा है। मामले की जाँच की जा रही है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।